हेलो फ्रेंड्स, मैं हरण प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के लिए सामाजिक विषय को स्टडी करेंगे और सामाजिक विषय के अंतर्गत हम लोग लेसन पुनर्जागरण को स्टडी करेंगे और इस पुनर्जागरण के अंतर्गत हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को समझेंगे और उसके उत्तर को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इसके दीर्घोत्तरी प्रश्नों को समझाया है, लघुत्तरी प्रश्नों को समझाया है और आज वाली वीडियो में हम लोग जो है उसके अति लघुत्तरी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल क्लास टेंथ के लिए नहीं, और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं लोग, इसमें उन सारे तथ्यों को मैंने संकलित किया है जो उनके लिए भी लाभदायक है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न आरंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म होता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागृत होना, अर्थात पुनः जन्म लेना। मुख्यतः यह यूनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा का भाव प्रकट करता है। यूरोप में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। अब भाई सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे को देखिए, यहाँ के पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछता है परीक्षाओं में, ऑब्जेक्टिव में, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से, या आप इटली से भी कह सकते हैं, ये प्रॉपर प्लेस का नाम बताया गया है। फ्लोरेंस इटली का एक फ्लोरेंस नगर है, तो आप इटली भी कह सकते हैं, इटली से या इटली के फ्लोरेंस नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि इटली के महान कवि दांते को, इटली के महान कवि दांते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, जिनका लाइफ स्पेन जो है 1260 से लेकर 1321 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि इटली के महान कवि दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के महान कवि दांते का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में। और पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली के फ्लोरेंस नगर से होती है। तो दोनों को कोरिलेट करना है। दांते ने कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी? दांते की प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है दांते की इस पुस्तक के बारे में। तो कह रहा है कि दांते ने कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी, ये देखिए उनकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही विख्यात पुस्तक है। अधिकांश परीक्षाओं में दांते की इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, या इस तरह पूछा जाए कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है। तो कह रहा है कि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इस पुस्तक में दांते ने किस यात्रा का वर्णन किया? कौन सी पुस्तक दांते ने लिखी? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक दांते ने लिखी। तो उसमें कह रहा है कि पुस्तक में दांते ने किस यात्रा का वर्णन किया? देखिए, इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। किसका? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक में दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले दूसरा व्यक्ति कौन था? पूछा कि महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसमें इसका आंसर है कि इटली का ही एक अन्य नागरिक जिसका नाम था पेट्रॉक, जिसकी जीवन अवधि जो है 1304 से लेकर 1367 ईस्वी तक रही है। तो इटली का ही वह नागरिक था जिसका क्या नाम था? पेट्रॉक। उसने ही महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उत्तर है कि इटली का ही एक निवासी पेट्रॉक। कह रहा है कि पेट्रॉक, जिसकी लाइफ स्पेन 1304 से 1367 ईस्वी रही है, मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है? पेट्रॉक को माना जाता है, जो कहां का निवासी था? इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है?
इटालियन गद्य का जनक, गद्य का मतलब पोएट्री, इटालियन पोएट्री का जनक किसे माना जाता है? तो इटालियन गद्य का जनक जो है बोकेसियो, जिसका लाइफ स्पेन 1313 से लेकर 1375 तक रहा है जीवन अवधि, कि इटालियन गद्य का जनक जो है बोकेसियो को माना जाता है, जो एक जो क्या था, एक कहानीकार था। बोकेसियो क्या था? एक कहानीकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोकेमेरान किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डोकेमेरान किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बोकेसियो, यह बोकेसियो की पुस्तक है। डोकेमेरान जो है, डोकामेरान या बोकेसियो की पुस्तक है, और डोकामेरान क्या था? एक कहानीकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? कह रहा है कि आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? तो मैकियावेली, जिसकी जीवन अवधि 1469 से लेकर 1467 ईस्वी तक है, सॉरी 1469 से लेकर 1567 ईस्वी तक है, यह फ्लोरेंस का निवासी था। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? मैकियावेली था, और यह कहाँ का था? इटली के फ्लोरेंस का निवासी था, जिसका लाइफ स्पेन कितना है? 1469 से लेकर 1567 तक। अगला क्वेश्चन है कि मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है? इसका उत्तर है कि मैकियावेली की लोकप्रिय किताब द प्रिंस नामक पुस्तक राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है। मैकियावेली की कौन सी पुस्तक थी? मैकियावेली की पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस नामक पुस्तक जो है राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है? आई रिपीट, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है? तो इसका उत्तर है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों, कौन कौन? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल की कृतियों में मिलती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों, कौन? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल की कृतियों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस्ट सफर और मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्रों को बनाने वाले कौन थे? देखिए, ये इसको बनाने वाले थे लियोनार्डो दा विंची। यह जो है पुनर्जागरण काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है, चित्र है उनका जो दिला सफर और मोनालिसा जो बनाया गया है, आज भी इनकी कीमत जो है करोड़ों में है, और आज भी यह संग्रहालयों में संरक्षित करके रखे गए हैं। क्या कह रहा है कि द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र को बनाने वाले कौन थे? लियोनार्डो द विंची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? ये दो पुस्तकें हैं, द लॉस्ट जजमेंट और दूसरा द फॉल ऑफ मैन। कह रहा है कि ये किसकी कृतियां हैं? तो ये किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट है कि सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए? सिस्तान की गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए? तो वह चित्र बनाए गए माइकल एंजेलो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसकी कृति है या किसने बनाया था? जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने बनाया था या किसकी कृति है? तो जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया, जो इटली का एक चित्रकार था। राफेल जो था इटली का एक महान चित्रकार था, और जिसने जो है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र बनाया, किसने बनाया? राफेल ने। फिर पूछ रहा है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है? तो जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कहा गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, लियोनार्डो द विंची कौन था? लियोनार्डो द विंची कौन था? तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। देखिए, कह रहा है कि लियोनार्डो द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार था, मूर्तिकार था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि था और गायक था।
लियोनार्डो द विंची के अंदर इतनी प्रतिभाएं थीं। वह जो है एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था, कवि भी था और गायक भी था। और ऐसे लोग जो है पृथ्वी बहुत कम जन्म लेते हैं जिसके अंदर इतनी प्रतिभाएं हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, द बेस्ट एसेस्ट कौन था? तो फ्रांसिस बेकन, जो इंग्लैंड का निवासी था, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था। कौन था पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? वो था फ्रांसिस बेकन, जो कहाँ का निवासी था, जो इंग्लैंड का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया? कह रहा है कि द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया? तो इस पर पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों। द प्रेज ऑफ फॉली एक पुस्तक है, इस प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में व्यंग किया गया किस पर? पादरियों के अनैतिक जीवन पर और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर, क्योंकि उस वक्त जो है पादरियों के पास असीमित शक्ति थी, राजा से भी माना जाता है उसके पास अधिक शक्ति होती थी और उसका जीवन जो है अनाचार और अनीति से भरा हुआ था और ईसाई धर्म में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी? इसे द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी? तो इरास्मस ने लिखी, जो कहाँ का निवासी था, जो हॉलैंड का निवासी था। तो द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखा? इसे जो है इरास्मस ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? पूछा कि अपनी पुस्तक यूटोपिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही विख्यात पुस्तक है। अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है कि अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से सर थॉमस मूर, जो इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। देखिए सर, यूटोपिया को लिखा है थॉमस मूर ने, उसमें एक ऐसे आदर्श समाज की व्याख्या की गई जो वास्तव व्यवहार में होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिए, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने जो है जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमरकृति है? मतलब कि रोमियो और जूलियट किसने लिखा? तो रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमरकृति है, जो इंग्लैंड के निवासी थे। शेक्सपियर कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, और उन्होंने रोमियो और जूलियट लिखा है। आधुनिक क्यों, शेक्सपियर जो था इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान राइटर था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? कह रहा है कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? तो रोजर वेकन को प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना गया है, जो कहाँ का निवासी था, जो इंग्लैंड का निवासी था। रोजर वेकन को प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता था, जो इंग्लैंड का निवासी था। प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र माना जाता था। आज जो है सूर्य को सौर मंडल का केंद्र माना जाता है, लेकिन पहले पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र माना जाता था। इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने बाइबिल के इस सिद्धांत का खंडन किया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है। किसने किया? पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने बाइबिल के इस सिद्धांत का खंडन किया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपरनिकस के सिद्धांत के पक्ष में आने वाले दूसरे वैज्ञानिक का नाम बताओ। कॉपरनिकस के सिद्धांत के पक्ष में आने वाले दूसरे वैज्ञानिक के नाम, मतलब कौन दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कॉपरनिकस के सिद्धांत या कॉपरनिकस के विचार का समर्थन किया? तो इसका अर्थ है कि गैलीलियो, जिनका लाइफ स्पेन 1560 से लेकर 1642 ईस्वी तक रहा है, तो गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। मतलब गैलीलियो ने कॉपरनिकस के इस विचार का समर्थन किया कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र नहीं है, बल्कि कौन है, सूर्य है सौरमंडल का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया?
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका पता किसने लगाया? इसका पता लगाया न्यूटन। और न्यूटन का लाइफ स्पेन कब था, कितना था? 1642 से लेकर 1726 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब किससे है? कि धर्म में आ जाने वाली उन कुरीतियों से है जो कि समय की बदलती हुई परिस्थितियों के हित में नहीं थे या के अनुसार नहीं थे। लोगों के लिए अब कष्ट का साधन हो गए थे, केवल कुछ लोगों के लिए वह हित लाभ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है मार्टिन लूथर को, जो कि जर्मनी का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी, जो इटली का निवासी था, इसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। कौन था? अमेरिगो वेस्पुसी, और यह कहाँ का निवासी था? इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण मैगलेन ने किया, और मैगलेन कहाँ का निवासी था? मैगलेन स्पेन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था मैगलन था। मैगलन था। इसके पहले ये माना जाता था कि धरती जो है चपटी है, और अधिक किनारे तक यात्रा करने के बाद व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, लेकिन मैगलन ही प्रथम व्यक्ति था जिसने इसने पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया समुद्री मार्ग से। और जब वो अपनी यात्रा प्रारंभ किया, तो चलते चलते बहुत दिनों बाद वो उसी स्थान पर आ गया जहाँ से वो चला था। तो इससे यह अवधारणा उत्पन्न हुई कि नहीं, पृथ्वी जो है चपटी नहीं बल्कि गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमते हैं? किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमते हैं? तो इसका उत्तर है जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला, या जिसे केपलर के नाम से भी जानते हैं। कौन? केपला, या जिसे केपलर के नाम से जानते हैं। तो केपलर ने यह बताया अपने गणित की सहायता से कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार घूमते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कराया कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर, जिनका लाइफ स्पेन क्या था, 1571 से 1630 ईस्वी था, ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के अनुयायी क्या कहलाएं, या धर्म सुधार आंदोलन के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इसके अनुयायियों को लोलार्डस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोलार्डस। धर्म सुधार के अनुयायियों को लोलार्डस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या कि अमेरिका का यह नाम किसके नाम पर रखा गया था? अभी हमने यह प्रश्न पीछे था, फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। इटली निवासी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पर? कराया कि इटली के निवासी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। कौन था? मैगलन था। यह प्रश्न पीछे
आया हुआ है। पुनर्जागरण के दौरान डच और जर्मनों ने क्यों तरक्की की? पुनर्जागरण दौरान डच और जर्मनों ने तरक्की क्यों की? देखिए इसमें कि पुनर्जागरण के दौरान डच और जर्मन कलाकारों ने हॉलवेन और एल्बर्ट ड्यूरर उल्लेखनीय है। करेक्ट, पुनर्जागरण दौरान डच और जर्मन कलाकारों में कौन उल्लेखनीय है? हॉलवेन और एल्बर्ट ड्यूरर। उन्होंने शास्त्रीय साहित्य की अपेक्षा अपने आसपास के दैनिक जीवन में अधिक रुचि प्रदर्शित की, जिससे वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में जर्मनी इटली से भी आगे निकल गया। तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला मैंने आपको उपलब्ध कराई। इस जितने भी प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न पूछ नहीं सकता, क्योंकि जितने भी फैक्ट हैं पुनर्जागरण काल से संबंधित मैंने सभी को कलेक्ट कर लिए हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। ये केवल कक्षा 10 के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि ये तथ्यों का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से और शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोग अपने कमेंट नहीं देते हैं, कमेंट देने से हमको एक फीडबैक मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।